है गाइस, मैं हूँ सुमित और आप देख रहे हैं सुमित टेक न्यूज़। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कैसे आप एक एंड्रॉयड का ऐप बना सकते हैं या खुद का जो यूट्यूब चैनल है उसका ऐप बना सकते हैं, आप खुद के मोबाइल पे या लैपटॉप पे बना सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज की जो वीडियो है इस वीडियो में। तो अभी तक अपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड अगर आपने अभी तक बेल आइकन भी हिट नहीं किया तो हमारा जो चैनल का बेल आइकन है वो भी हिट कर दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो डाले आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेबसाइट है, यहाँ पर आपको वेब पर सर्च करना पड़ेगा। तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पर जो वेबसाइट है वेबसाइट पर आपको दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं या आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है, जो वेबसाइट है वो सर्च करना है यहाँ पे। ओके, तो आपको ये सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ लैपटॉप में यूज़ कर रहा, तो आप एंड्रॉयड मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो साइट खोलने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन में जाना है, क्रिएट नाउ फॉर फ्री। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं किस तरह की आप ऐप बनाएंगे। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका जो मेनू पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको मैसेंजर, वेब ब्राउज़र एंड कंसेप्ट वगैरह, फेक कॉल, कुछ भी आप ऐप्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेनू दिया हुआ है, आप डायरेक्टली इसमें बना सकते हैं कुछ। अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे सर्च फॉर टेम्पल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं यूट्यूब। ओके, तो ये हमारा यूट्यूब है, यूट्यूब आ गया, तो इस पर क्लिक करते हैं हम। ओके, आज जो हम बना रहे तो हमारा जो यूट्यूब का चैनल है वो हम खुद बनाएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखा टेम्पल डिस्क्रिप्शन। ओके, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल URL, अगर आप यूट्यूब के डायरेक्ट चैनल बनाना चाहते हैं, यूट्यूब का चैनल डायरेक्ट यहाँ पे आप ऐप क्रिएट करना चाहते हैं तो यूट्यूब का नाम डाल सकते हैं, मतलब URL डाल सकते हैं। या अगर कुछ प्लेलिस्ट का साइट बनाना चाहते हैं, मतलब एपीके बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट है यूट्यूब चैनल URL एंड यूट्यूब प्लेलिस्ट URL। अगर आप यूट्यूब के ऊपर बनाना चाहते तो यूट्यूब के ऊपर क्लिक करेगा, अगर आप प्लेलिस्ट बनाना चाहते तो प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करेगा। ओके, देन अभी हम बनाएंगे यूट्यूब चैनल का जो URL है वो बनाएंगे। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल का URL है वो हम यहाँ से ले लेंगे। ओके, तो हमको URL लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे जाएंगे माई चैनल पे। ओके, तो हम यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, तो सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद इस तरह से क्लिक टू सेव प्रीव्यू, किस तरह से मेनू आएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टली। ओके, तो इस तरह से हमारा जो है एप्लीकेशन वो शो करेगा। ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो यूट्यूब का मतलब जो एपीके बना रहे हैं हम, तो एपीके किस तरह से मेनू जो है शो करेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम इसे नो कर देते तो इस तरह से शो करेगा, देख सकते हैं। ओके, अभी हमने नो कर दिया, और यहाँ पे आपका जो नो करने के बाद आता है यहाँ पे ऐप नेम, अगर आप कुछ ऐप का नेम वगैरह देना चाहते तो यहाँ पे आप, जैसे कि आपका यूट्यूब चैनल का ऐप बना रहे हैं तो हम शायद आपका यूट्यूब चैनल का नाम डालेंगे, अगर आपको कुछ पसंदीदा नाम हो तो यहाँ पे डाल सकते हैं दूसरा। ओके, तो हम यूट्यूब का चैनल का ऐप बना रहे हैं तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। ओके, सुमित टेक न्यूज़। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, एंड यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन डालना है।
ओके हमने टेम्पल डिस्क्रिप्शन डाल दिया, ऐप सेटिंग कर दिया, अभी ऐप का नेम भी डाल दिया, फिर यहाँ पे आपको डालना है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है, आपका जो चैनल है आप, मैं मेरा चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वो डायरेक्टली डाल दूँगा। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली डाल सकते हो, यहाँ पे जाके आपका जो चैनल है वहाँ पे, सॉरी बट यहाँ पे ऑलरेडी है, अबाउट पे जाके आप डायरेक्टली कॉपी करके डाल सकते हैं। आप अगर आप चाहते तो टाइपिंग करके भी दे सकते, तो हम यहाँ से डाल देंगे डायरेक्टली कॉपी करके। ओके इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से सिलेक्ट ऑल एंड कॉपी हो गया बस। एंड यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसको कंट्रोल पी डाल के। ओके तो हमारा जो यहाँ पे है पेस्ट हो गया, अभी हम इसको नेक्स्ट करेंगे। एंड यहाँ पे आपको आइकन बता रहा है आप किस तरह से इसका जो आइकन है लोगो, मतलब आइकन देना चाहते हैं, मतलब जैसे कि आपका ऐप वगैरह के जो आइकन रहते हैं, जैसे कि आपका यूट्यूब वगैरह हुआ या यूट्यूब हुआ, इसका एक लोगो रहता है, मतलब आपका जो लोगो रहता है आपको पता ही होगा, तो इस तरह से अपने डाल सकते अपना जो लोगो है, इस तरह से डाल सकते लोगो। तो यहाँ पे आप सर्च कर पाएंगे इसका जो लोगो है, ओके तो कस्टम आइकन ले सकते हो आप यहाँ से। यहाँ पे हम अगर आपके पास कोई आइकन है तो यहाँ पे डायरेक्टली डाल सकते हैं आप, कस्टम आइकन पे जाके यहाँ पे क्लिक करना है आपको, फिर आपको अपलोड पे क्लिक करना है। और आप अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपको जो, मतलब अगर आपने चूज़ करके रखा है फाइल या कुछ बनाना चाहते हो तो बना के डाल सकते हैं यहाँ पे। ओके फिर हम यहाँ पे ब्राउज करेंगे, जो हमारा चैनल का थीम्स है वो हम डाल देंगे यहाँ पे। ओके जैसे कि हमारा ये रहा है, इसको हम डाल देते हैं, जो हमारा YouTube का एप्स मतलब लोगो है इसको हम क्रॉप करेंगे। ओके देन यहाँ पे आपको साइज सिलेक्ट करना है, यानी इसको आपको क्रॉप कर देना है अच्छे तरीके से, जैसे कि हमारा। ओके इसको फिट करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट ऑप्शन है, सबमिट में सबमिट क्लिक करके देख सकते हो आप, इस तरह से आपका जो है वो यहाँ पे आइकॉन आ जाएगा। एंड देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है। ओके नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आइकन भी आ गया आपका, अभी सब कुछ आपका देना हो गया। तो यहाँ पे आप अपना क्रिएट ऐप डाल सकते, क्रिएट करके क्रिएट यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड, या आप डायरेक्टली जो लॉगिन करके डाल सकते फेसबुक आईडी लॉगिन करके यहाँ पर डाल सकते। तो यहाँ पर हम फेसबुक आईडी लॉगिन करने वाले हैं। ओके तो यहाँ पर हम फेसबुक आईडी डालेंगे, सॉरी यहाँ पे रॉन्ग लिखा आ रहा है। ओके जैसे ही आप मतलब ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे आप सेंड करेंगे, तो आपका जो ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे कोड डालना है, उसके बाद आपको जो ऐप है और यहाँ पे क्रेडिट ऐप पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऐप है
जैसे हमारा एप्स जो है बन जाएगा तो इस तरह से मेनू आएगा, और यहाँ पे आपको पब्लिश भी जाना है। तब पब्लिश पे जाने के बाद इस तरह से आपको पब्लिश पे क्लिक करना है, अमेजन या प्ले स्टोर कहाँ पे भी आप पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे टिक मार्क कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए। ओके, तो आपका जो आइकॉन है इस तरह से रहेगा। गूगल प्ले पे यू एप्स इंसर्ट फ्यूचर एंड ग्राफिक्स एंड आइकन फॉर गूगल प्ले, जैसे कि आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका जो है आप पब्लिश हो गया है गूगल प्ले में। तो इस तरह से आप अपना जो ऐप्स बना के खुद पब्लिश कर सकते हैं गूगल प्ले पे। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे इस हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ऐप के लिए वीडियो लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पर।